सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आई नो मैं काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग कर रहा हूँ एंड आज हमारे साथ कुछ स्पेशल है। छोटी कज़न आई हुई थी मेरी पंजाब से, पापा गए हुए थे एक्चुअली पंजाब, तो उसी के साथ मम्मी के साथ आ गई थी, चाचू की बेटी है। एंड तो आज का क्या सीन था कि हम कल ही वैष्णो देवी से सुबह पहुँचे थे, संडे सुबह 6:30 में घर पर था, सैटरडे शाम की चढ़ाई स्टार्ट की थी, तो उसको वैष्णो देवी लेके गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आई, काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद, तो छोटे होते गई थी। तो आज का हमारा कुछ प्लान ऐसा है कि आज मैं इसको थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करवाऊंगा, लाइक हरी निवास ले जाऊंगा, भाई वाली माता अपनी, ठीक है, भाग्य बहू है ना, और तीन चार जगह और एक्सप्लोर करूंगा। बट मैं व्लॉग थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल रखूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। इधर अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं। यस, तो ये है प्रियांशी, प्रियांशी हाय कह दो। हाय टू से गाइस कुछ भी सॉरी से हाय टू गाइस हाय हाय अपने इंट्रोड्यूस करवाओ, आप बताओ अपने बारे में क्या करते हो आप। ये चलो छोटी है, थोड़ा ना शर्मा रही है अभी, थोड़ी देर खुलने में टाइम लगेगा। चलो बस अभी मिलते हैं, निकलते हैं यार यहाँ से। तो अभी हम बाइक पे निकल रहे हैं क्योंकि जम्मू में इतना जाम हो चुका है कि मतलब गाड़ी में जाओ तो बंदा ना अटक ही जाता है, तो बेटर मैंने बोला बाइक पे चलते हैं तो सही रहेगा। वैसे थोड़ी गर्मी है बट ठीक है। तो अभी हम पहुंच तो गए हरी निवास, बट मेरे को ऐसे ऐसा लग रहा है कि मतलब ना आज अभी बंद है शायद, क्योंकि टिकट काउंटर पे लगा हुआ है बोर्ड टाइप कुछ, पूछ लेते हैं वैसे खुला कि नहीं। भैया खुला नहीं अभी, हर मंडे बंद होता है तो यार हर मंडे तो बंद है अभी। चले जाना उसको, चलो प्रियांशी तेरी किस्मत ख़राब है, आज मंडे बंद होता है, मुझे भी भूल गया। तो यार मेरे को कितना टाइम हो गया रहते हुए, मतलब पैदा यही हुआ लेकिन मुझे ये आज तक नहीं पता लगा कि ये मंडे को बंद होता है, बट चलो अपनी किस्मत ख़राब है, आज किस्मत भी ख़राब गया लेकिन हम भाग्य में लेके जाएंगे उसको, उसको अच्छा लगेगा भाग्य में, ठीक है। सो तो अभी मैंने इसकी फ़ोटोज़ वगैरह तो ले ली है, बट अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि फिर टाइम भी क्यों वेस्ट करना, बंद ही है पता ही है, सॉरी हाँ यार, बट चलते हैं अभी भाग्य में लेके चलते हैं इसको। सो तो फाइनली अभी भाग्य में पहुँच गए, अभी पार्किंग में बाइक लगा दी है तो अभी चलते हैं अंदर यार। सो तो अभी मैं भी बहुत टाइम के बाद ही आया हूँ, मैं प्रियांशी के साथ ही आ रहा हूँ, पता नहीं वो कितना टाइम हो गया यहाँ आए हुए, लास्ट पता नहीं कब भी आए थे, तो देखते हैं यार क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या क्या नया हुआ है। तो यहाँ से है वैसे, एक नीचे से भी एंट्रेंस है बट यहाँ से करवा ली हमने ताकि हम सीधे पहले मंदिर वंदिर भी हुए हैं एंड थोड़ा यहाँ से देख लेंगे, तो यहाँ से पहले टिकट करवा लेंगे चलते हैं। और आई थिंक फोटोग्राफ वगैरह अगर खींचनी हो अंदर तो उसकी टिकट आई थिंक अलग कटवानी पड़ेगी, बट बात कर लेते हैं देखते क्या होता है। तो यार यहाँ से कटती है आपकी कैमरे वाली की टिकट, आपने शूट वगैरह फोटोज़ करनी है तो टिकट्स आपकी कट जाएंगी, तो हेलमेट, चलो अंकल थैंक यू यार आपने हेलमेट। सो तो अभी पीछे के एरिया में ऐसा कुछ है, बैक साइड है बट अभी पहले वहाँ से एंट्री है, बट पहले हम जाते हैं मंदिर के लिए, अभी मंदिर कहाँ से रास्ता यार, तो चलो मैं भी भूल गया हूँ, मेरे को नहीं याद, सच बता रहा हूँ मेरे को याद नहीं हम कहाँ से क्या रास्ता है, फिश एक्वेरियम की एंट्री वहाँ से, एग्जिट यहाँ से है। सो तो देख सही लग रहा है तेरे को व्यू वगैरह ना, अच्छा तो टिकट्स करवा लो ताकि शूट वगैरह कर सको, 30 लिए हमसे, 30 रुपये लिए दोनों, ठीक है। देखेंगे लाइट नहीं इशू, तो उसके बाद टिकट फाड़ देनी है आपने। तो यहाँ पे पूरा इन्होंने डिस्प्ले गैलरी बनाई हुई है कि कैसे बंदा फिशिंग करता है एंड स्टफ वगैरह, उसका स्टफ होगा सारा, ये सारा गुसारा जब अंडर वाटर जाते हैं क्या क्या यूज़ करते हैं। तो प्रियांशी के लिए क्योंकि न्यू है अपने फादर का में तो ये है नहीं, तो इसको अच्छा लग रहा है देख देख के, ये कह रही है एक फिश मैं ले ही जाती हूँ यहाँ से, बट ऐसा नहीं है बच्चे आप नहीं लेके जा सकते सॉरी। तो ये सारी कुछ ऐसा सो है, सारी उन्होंने कैसे रखी हुई हैं,
रियल फिशेस के वो हैं सैंपल्स है। वाओ भाई फिश एक्वेरियम का। तो अभी तो बहुत मज़ा आया हमें तो अभी हम निकल रहे हैं बाहर। तो अभी पहले फिश एक्वेरियम हुआ है तो अभी नेक्स्ट मंदिर जाएंगे। हाँ मंदिर का रास्ता वहाँ से है सच। सॉरी मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ, मेरे को नहीं याद यार बिल्कुल भी। तो अभी चलते हैं यार। तो तेरा मंदिर का रास्ता यार से जाएंगे अभी मंदिर के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा चलने पे स्वेट आ जाता है बहुत ज़्यादा है। अभी थोड़ा ही चले हैं बस, ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं प्रियांशी वैष्णो देवी जैसे बोल रहा था, बस पहुँच गए यार। मेरे को तो लग रहा है अपनी किस्मत ही ख़राब है क्योंकि अब 1 बजे मंदिर बंद हो जाएगा और 12:55 ऑलरेडी हो गए हैं। 5 मिनट रहते, जल्दी आते, जल्दी यार, बस जल्दी दर्शन करें। लेकिन अच्छे ही हो गए एंड अब तो मंदिर बंद हो गया यार, 1 बजे बंद हो जाता है। शुक्र है हमने जल्दी जल्दी करवा दी, नहीं तो आज यहाँ से भी गए थे। आज का दिन मेरे को लग रहा है अच्छा नहीं है हमारा, बट हो ही गया। चलो किसी जगह से डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं मिली। अभी नेक्स्ट देखते हैं कहाँ जाएंगे। इसको भूख लगी, पहले कुछ खिला देते हैं। पहलवान लेके जाने की सोच रही हूँ, पहलवान फेमस भी है और हर वेराइटी का मिल जाएगा नॉन वेज को छोड़ के। सो अभी फाइनली स्कूल में लेके आया हूँ पहलवान, ये अच्छी जगह आके भी इसने चाहिए कि खाना है और स्प्रिंग रोल मंगवाए हैं इसमें और मैंने लस्सी मंगाई है अपनी, मैंने लस्सी पी ली, मेरा क्योंकि मन नहीं था खाने का। तो यार अभी मैं इसको नेक्स्ट लेके आया हूँ यहाँ पे जम्मू का जो मांडा जू है हमारा, वो लेके दिखाने के लिए। फालका में तो ये भी नहीं है ना फालका में ये भी नहीं है, तो कोई ना यहाँ पे अपने जैसे थोड़े प्राणियों को देखेगी, खुश होएगी उनको देख देख के, इनके जैसे इसके जैसे प्राणी भी होंगे अभी अंदर, तो उनसे भी मिलवाता हूँ मैं आपको। तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं। बहुत अच्छी सी लाइन लिखी हुई है, योर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन माय एग्जिस्टेंस वेक अप। तो जैसे कि अभी दिन पर दिन हम लोग जो हैं, हम लोग ही हैं इंसान, पेड़ काटते जा रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, बट उतना पे बैक नहीं कर रहे। तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। अगर कट भी रहे हैं जंगल तो उन्हें उतने पेड़ लगाओ भी, जैसे कि मामा अर्थ ने इनिशिएटिव लिया हुआ है कि वो हर एक तुम जो प्रोडक्ट खरीदते हो ना उसके ऊपर तुम्हारे नाम का एक प्लांट ट्री करते हैं, वो लगा देते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है वो। तो करना चाहिए वैसे लोगों को, लेकिन करते नहीं हैं, जंगल काट काट के बनाई जा रहे हैं, आने वाले में तो हमारा ही होएगा नुकसान। वो तो टर्टल ले गए, जिसमें टर्टल है बट अभी दिख नहीं रहे हमें, पता नहीं कहाँ पे है, बाहर निकले तो बात है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे मन पता है थोड़ा ठंडा मौसम होता है ना तो बंदा घूमने का भी मन करता है। मैं तो मेरी तो बस हो गई है, इसके बाद तो मैं सीधे घर जा रहा हूँ यार। बट ये है अपना अच्छा है, बट ये थोड़ा मेंटेन नहीं करके रखते, पीछे देखो घास कितनी बड़ी हुई रखी है, थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत है इन्हें। ये नकली सांप रख दिया मैंने, नकली सांप है, असली तो है नहीं। वाह मोदी जी वाह, ये क्या कर दिया इन्होंने, है हटा दिया मुझे लग रहा सांप सो बिना नकली रखे हुए हैं, नकली रखे पहले थे यार, पता नहीं कहाँ रखे, सारे चले गए, इसमें भी नहीं है। स्नेक्स तो थे पहले बट अब नहीं है यहाँ पे स्नेक्स, पता नहीं क्यों हटा दिए हैं। यहाँ पे खाए क्या वो कंडे वाला, यहाँ नीचे नीचे घुसा हुआ है, ये कंडे रहते हैं।
ना गुम हो जाती है। सो तभी हमने पीकॉक्स वगैरह देखे बहुत ज़्यादा, मतलब ना आज तो बिल्कुल पास ही ऐसे तो पीछे ही रहते हैं, ऊपर चढ़े रहते हैं। सो तो यहाँ पे भी लेपर्ड भी है, तो देखते हैं, दिखेगा तो है यार, अंदर होना भी चाहिए, कई बार सोया ही होता है, देखो दिखता है कि नहीं। सो तो ना तो लेपर्ड है यहाँ पे, ना तो कुछ है, मेरे को नहीं पता कहाँ चले गए यार, या तो ले गए हैं अब यहाँ से, बाकी पता नहीं अब, क्योंकि बहुत कम ही एनिमल्स हैं यहाँ पे भी, स्नैक्स भी नहीं है यहाँ पे भी, स्नैक्स भी नहीं थे, क्रोकोडाइल था वो भी नहीं है, पता नहीं क्या कर क्या रहे हैं भाई ये, दूसरी साइड जाके देख लेते हैं। अरे नेक्स्ट टाइम से मैं बोलता हूँ जम्मू वाले, उनको सिफारिश करता हूँ। हाँ वो दिख गया आपको, लटक भी रही थी वहाँ पे, पानी में भी घुसी हुई थी, बट मैं नेक्स्ट टाइम बहुत सिफारिश करता हूँ जम्मू वालों से, वो एनिमल्स ऐड करो, ताकि ऐसे जो जानवर बाहर से आते हैं उन्हें देख के अच्छा लगे दूसरे जानवरों को। लेपर्ड नहीं मिला तो कोई चक्कर नहीं है, बट लेपर्ड कैट तो है यहाँ पे बैठी हुई है, वो देखो वहाँ पे, चलो बीमार है कि सोया है, ये सोई है ऊपर बैठे हैं, यहाँ से दिखेंगे नहीं, पता नहीं, अब मीट देख लो क्या रखा है इनके लिए, ये बैठे हैं देखो कितना बड़ा भाई, ये पढ़ो इसकी जगह तुझे ले रहे हैं। हाय माय नेम इज गबरू, ब्लैक बेयर था, ये भी हटा दिया हुआ यार इन्होंने, इसकी जगह तुझे ले रहे हैं, तुझे तो ले भी नहीं सकते ना, तू तो बंदरू रह गया छोटा। हां यो लेपर्ड सर जी कहीं अभी मैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग, एंड इफ यू लाइक द व्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर, एंड अगर चैनल पर लियो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और हाँ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, और लेटेस्ट अपडेट्स को मिस ना करने के लिए इसलिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया। बाय बाय।